पीएम मिश्रा 2023 से पहले सूट बूट की सियासत शुरू हो गई है। जहां दिग्विजय सिंह की ओर से दिए गए बयान के बाद अब प्रतिक्रिया का सिलसिला भी तेज हो चला है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ है कांग्रेस विधायक बाला बच्चन और बीजेपी विधायक यशपाल सिंह सिसोदिया। देखिए, शिवराज सिंह जी की बौखलाहट बता रही है। हर बार कमलनाथ जी को अटैक करना, अब शब्दों का प्रयोग करना, इस बार जरूर उन्होंने नाम नहीं लिया है, पर जनता किसके साथ है ये 2018 में भी कमलनाथ जी ने बता दिया था और 2023 में भी बता देंगे। और रही बात शिवराज सिंह जी की, तो वो बात करें कि इतने 18 साल जब बीजेपी का शासन मध्य प्रदेश में रहा, 15 साल शिवराज जी लगभग मुख्यमंत्री रहे, तो उन्होंने जनता के लिए क्या किया है, उसका जवाब सुन रहे हैं। अनगरल फैसला लीजिए, किस बात पर जनता कि मध्य प्रदेश को बेरोजगारी में नंबर वन बनाने के लिए होगी, महिला अपराध में नंबर वन बनाने के लिए होगी, कुपोषण में नंबर वन बनाने के लिए होगी। आप बताइए किस लिए मध्य प्रदेश की जनता शिवराज जी के साथ होगी? शिवराज जी की जनता कभी साथ नहीं देगी, और अगर मध्य प्रदेश की जनता साथ होगी तो माननीय कमलनाथ जी और कांग्रेस के साथ होगी, जिन्होंने 15 महीने में जो ढर्रा भाजपा ने बिगाड़ा था उसे वापस से स्थिर करने का और जमीन पर लाने का काम किया था, और अगले 5 साल कमलनाथ जी और कांग्रेस को सौंपेगी ताकि एक स्वर्णिम मध्य प्रदेश का निर्माण हो सके। देखिए, कहीं कोई बौखलाहट नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट किया है कि उनके पास हेलीकॉप्टर है, कारें हैं, बड़े बड़े उद्योग हैं, बड़ी बड़ी जमीनें हैं, सब चीजें हैं, पर उनके पास से जनता नदारद हो चुकी है। 2003 से लेकर आप देखेंगे कि जनता ने जब हमें आशीर्वाद दिया, हम उनकी जन आकांक्षाओं पे खड़े उतरे, तब 2008 में हमें आशीर्वाद दिया, फिर जब 2008 में जो हमने संकल्प लिए थे उन पे हम खड़े उतरे तो 2013 में जनता ने आशीर्वाद दिया। कमोवेश यही 2018 में हुआ, हम परसेंटेज वाइज ज्यादा थे और संख्या गिनती में, मुंडियों की गिनती में हम कम थे, पर अब दो, फिर उसके बाद जब सरकार का परिवर्तन हुआ, अपने बोझ से कमलनाथ जी गिर गए, उनकी सरकार गिर गई, तो निश्चित ही जनता ने फिर हमें मैंडेट दिया। जनता ने उन सभी सीटों पे भाजपा के उम्मीदवारों को जिताया, उपचुनाव में हमें जीत मिली, दूसरे उपचुनाव में जीत मिली, इवन जब राष्ट्रपति का चुनाव हुआ तो इनके 18 से 20 MLA ने क्रॉस वोटिंग की। तो ये इस बात का स्पष्ट है कि उनके पास सुविधाएं संपन्न हो सकते हैं, पर लोकतंत्र में जनता ही जनार्दन है और जनता ही सब कुछ तय करती है। माननीय मुख्यमंत्री जी अपनी बातों में भी कहते हैं कि मध्य प्रदेश मेरा मंदिर है, जनता है इसकी भगवान है, पुजारी है तो शिवराज सिंह चौहान है। यह इस बात का द्योतक है कि हम जनता को 24/7 365 दिन पांचों साल उनके दुख में, कष्ट में, तकलीफ में हम खड़े रहते हैं। यही कारण है कि जनता हमें बार बार पसंद करती है। उनके पास सुविधाएं हो सकती हैं, उनके मंत्री बयान दे सकते हैं, उमंग श्रृंगार ने कहा था कि कांग्रेस की सरकार लूटने आई है, ये सब चीजें हो सकती हैं उनके पास, पर जनता उनसे नदारद है। इसी कारण कमलनाथ जी आज विपक्ष में बैठे हैं, इतने अनुभवी होने के बाद भी वो अपनी सरकार नहीं चला पाए, अपनी सरकार के अपने विधायकों के बोझ तले गिर गए। जनता की अगर कोई सुनता है, जनता की अगर कोई बात मानता है तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान है।